वेलकम टू चैनल दी आई एम गाय माय डियर फ्रेंड्स. मेरा नाम है अभिषेक जैन. मैंने आई एम विशाखापट्टनम से एमबीए किया है और मुझे आप लोग दी आई एम गाय के नाम से जानते हो. मैंने जिस कॉलेज से एमबीए किया है आई एम विशाखापट्टनम, उसे मार्केट में इंडस्ट्री में या तो BBIM के नाम से जाना जाता है या थर्ड जनरेशन आई एम के नाम से जाना जाता है. और मतलब बोलते हैं यहाँ आप जाओगे कंपेयर टू कॉलेजेस लाइक NMIMS, XIMB, तो करियर आपकी उतनी अच्छी नहीं होगी, बस आई एम का टैग मिलेगा. हाल ही में अभी मैं जब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो ये वीडियो बहुत ही पर्सनल है. टाइटल तो मैं सोचूंगा इसका क्या देना है बाद में, अभी बस शूट कर रहा हूँ मैं आपको आपके लिए, क्योंकि बहुत ही पर्सनल वीडियो बना रहा हूँ. मुझे मैं कल जहाँ जा रहा हूँ वहाँ मुझे एक टेड टॉक देना है और उसके लिए मैं आज स्पीच लिख रहा हूँ. मैंने सोचा कि टेड टॉक में स्पीच लिखने से पहले जो भी मेरे मन में ख्याल है आई शुड शेयर देम विथ यू, बिकॉज यू आर द पीपल बिकॉज ऑफ होम आई एम नाउ गोइंग टू गिव अ टेड टॉक, या फिर मेरी कोई पब्लिक इमेज भी है. जब तक आप लोग मुझे नहीं देखते थे उससे पहले मेरा कोई पब्लिक इमेज नहीं था. मैं एक कंपनी में जॉब करता था और मैं बस एक KRA के बेसिस पे मुझे इंक्रीमेंट मिलता था और बस मैं एक आईडी कार्ड के नाम का ही अस्तित्व था मेरा. मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि दोस्तों अगर आप मेरे जैसे कोई हो जो छोटे टाउन से आता है, मैं किशनगंज बिहार से आता हूँ, आपने नाम भी नहीं सुना होगा उस जगह, और मैंने आई एम विशाखापट्टनम से एमबीए किया, आप लोग भी मुझसे अच्छे कॉलेज से एमबीए बहुत लोग कर लोगे, ठीक है. डिस्पाइट दैट मेकिंग अ मार्क इन द इंडस्ट्री, मेकिंग इनफ मनी दैट यू कैन फुलफिल योर ड्रीम्स विच आई हैव बीन डूइंग राइट नाउ एंड ऑल्सो गेटिंग जॉब ऑफर्स, मुझे इन सब के वजह से जॉब ऑफर्स भी बहुत मिलते हैं. और वो बोलते हैं कि आप यूट्यूब हेड बन जाइए, कॉन्टेंट हेड बन जाइए, मार्केटिंग देख लीजिए, डिजिटल मार्केटिंग देख लीजिए, ब्रांडिंग देख लीजिए, कॉलेज में आप हमारा कुछ हिस्सा बन जाइए, विल गिव यू गुड सैलरी बिकॉज ऑफ द पब्लिक इमेज दैट आई हैव, बिकॉज ऑफ द पर्सनल ब्रांडिंग दैट आई हैव. तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि सबसे पहली बात माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप कोई छोटे शहर से आओ तो सबसे पहले ये मत सोचो कि आप कुछ लैग कर रहे हो. जो बड़े शहर से उनके पास अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं, पर छोटे शहर के लोगों के पास ये एक हाथ में एक जो ज़्यादा रहता है वो ये रहता है कि वो स्ट्रगल कर सकते हैं. वर्क हार्ड का जब बात आता है और विदाउट वर्किंग हार्ड आप अपॉर्चुनिटी का कुछ करोगे नहीं, तो वर्किंग हार्ड में छोटे शहर वाले लोग ज़्यादा हार्ड वर्क कर सकते हैं. बिकॉज आप जनरली छोटे शहर वाले लोग शिफ्ट करते हैं दिल्ली बॉम्बे पढ़ाई लिखाई के लिए, जॉब के लिए, तो उन्हें बस सर्वाइव करने के लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है. हर साल ब्रोकर से फ्लैट लो, फ्लैट मैनेज करो, जो काम मैं डिमीन नहीं करूँगा पर ये बहुत मतलब जो काम एक तरह से बहुत लोग हमारी मम्मी लोग करते हैं वो काम तुम्हें करना ही पड़ता है, उतने अच्छे तरीके से हम नहीं करते हैं, बट वी डू द सेम थिंग. हम अपना घर मैनेज करते हैं, हम दोस्त बनाते हैं, हम अकेले जीते हैं, हम ठोकर खा के अकेले जी के मम्मी पापा को फोन करके बोलते हैं सब अच्छा है. तो ये हार्ड वर्क तो कर ही रहे, उसके बाद हमें स्कूल कॉलेज में परफॉर्म करना पड़ता है, जॉब में परफॉर्म करना पड़ता है. तो द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नो इज वही, अगर आप छोटे से घर से आ रहे हो, छोटे कॉलेज से आ रहे हो, फॉरगेट दैट यू कैन नॉट मेक इट, यू कैन मेक इट बिकॉज यू बीन यूज टू आपको IIM ABC जैसा कॉलेज में टीचर नहीं मिला है, बट स्टिल स्टडिंग फ्रॉम नॉट एज गुड टीचर्स यू हैव डन योर MBA. सो आपने कम रिसोर्सेज से अच्छा किया है, सो आप में वो मेहनत करने का एबिलिटी है, ये बात चालो. सेकेंडली इन माई केस मैं आपको बताता हूँ, मैंने कैपजिमना इन्वेंट में आई एम विशाखापट्टनम के बाद जॉब किया. कैपजिमना इन्वेंट डिड नॉट कम टू कॉलेज फॉर प्लेसमेंट्स, कैपजिमना इन्वेंट स्टिल डजंट गो टू आई एम विशाखापट्टनम फॉर प्लेसमेंट्स एज़ फार एज़ आई नो. आई वेंट देयर खुद से करके, खुद से जॉब फाइंड आउट करके. वो मैंने कैसे किया, मैंने लिंक्डइन में बहुत सारे लोगों को अपना अच्छे से रेज्यूमे भेजा, जो जो प्रोजेक्ट किया था वो प्रोजेक्ट बताया, Amazon Cloudtail बोलते हैं, वहाँ पे मैंने इंटर्नशिप किया था उसको बताया कैसे किया, अपने आप को सेल किया, रीच आउट किया, आई पुट माई सेल्फ आउट देयर एंड आई गॉट द जॉब ऑफर ऑफ कैपजिमना कंसल्टिंग. कैपजिमना कंसल्टिंग की सैलरी जैसी भी हो, वहाँ पे NMIMS, XIMB, IIMT गाज़ियाबाद, न्यू IIMs के लोग आते थे मेरे प्रोफाइल में, ओल्ड IIMs वाले लोग थोड़े ऊपर वाले प्रोफाइल में आते थे जिन्हें एलीट बोला जाता है, मतलब 20 लाख से ऊपर की सैलरी भी होती है, लेकिन मेरा प्रोफाइल भी कमज़ोर नहीं था. ये मैंने कैसे किया, यही कि यार मैं खुद ही अगर मान लूंगा कि मैं BBIM से हूँ तो मैं जॉब कैसे मांगूंगा किसी से, वो बोलेगा कि तुम यार जॉब वाला बोले कुछ भी हार्ड क्वेश्चन पूछेगा तो मैं घबरा जाऊंगा, जवाब नहीं दे पाऊंगा. आई हैव टू फर्स्ट बिलीव दैट आई एम एज गुड एज समवन फ्रॉम न्यू IIM और NMIMS और SIIM पुणे. सेकेंडली अब अगर आपको लग रहा है कि आप किसी रेस में पीछे हो गए हो, इस बात को देखिए, इस बात को सही भी लीजिए, गलत भी मत लीजिए. व्हाट आई डिड पर्सनली इन माई लाइफ टू बी रीच वेयर आई हैव रीच्ड दिस, मैंने जॉब करते हुए साइड में अपना कुछ किया जो मुझे लगता था कि अगर मैं 3 साल दूंगा तो ये कुछ बड़ा हो सकता है. मुझे नहीं पता था कितना बड़ा हो सकता है, कुछ हो सकता है जिससे मुझे कुछ फ़ायदा मिलेगा, और मैं आपको बताऊंगा हर स्टेज में मुझे क्या फ़ायदा मिला.
और यही आपको भी करना है। सबसे पहले आई आस्क माईसेल्फ कि आई हैव सम फ्री टाइम इन माई हैंड, वॉट इज इट दैट आई गुड एट। आई हैव ऑलवेज यू नो बीन MBA कॉलेज में ले लो, BBA के बाद ले लो, मैं सबको MBA के बारे में मेंटर करता था कि प्रोफाइल्स क्या होते हैं MBA के, ठीक है, सब आई एम शाह वाले बात जानते हैं। वहाँ पे भी मैं सबको बताता कि MBA में ये सारे प्रोफाइल्स होते हैं, रिज्यूमे कैसे बनाना पड़ता है, प्लेसमेंट कमेटी में मैं था, सो आई वॉज ऑलवेज इन्फैचुएटेड विद दीज थिंग्स। हर MBA कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है, क्या अलग अलग प्रोफाइल्स आते हैं, क्या सैलरी है, क्या कौन कितना इन्फ्लेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या कैंपस लाइन है। मैंने सोचा इन्हीं के बारे में कुछ वीडियो बनाते हैं और मैं 3 साल वीडियो बनाऊंगा। बात नोटिस करना, मैंने जब पहला वीडियो डाला था मुझे 3 साल वीडियो बनाना है, कितना बनाना है नहीं जाना था मैंने, बट आई डिसाइडेड आई विल मेक वीडियोस फॉर 3 इयर्स, जब भी मुझे मन करेगा फ्री टाइम मिलेगा। अभी भी 3 साल नहीं हुआ है, आप देखोगे ओल्डेस्ट वीडियो मेरा 7 मई 2021 को है, अभी भी 7 मई 2024 नहीं आया है, अभी भी 3 साल नहीं हुआ है और मैं इस मुकाम पे पहुंच गया हूं। तो लाइफ का रूल है, फर्स्ट रूल माय डियर फ्रेंड्स, कि गिव एनीथिंग 3 इयर्स सस्टेनेबली। मतलब ये नहीं कि आज किया फिर 1 महीने बाद किया, हर हफ्ते मैं कह रहा हूं अगर आप 20-25 घंटे हर हफ्ते 20-25 घंटे किसी चीज को 3 साल तक दो, कोई भी चीज हो अगर उससे पैसा बन सकता है आप पैसा बना लो, कोई भी चीज हो 3 साल देना होगा। 1 महीना देके बोल देना कुछ नहीं हुआ, मेरा भी 1 साल तक कुछ नहीं हुआ था 1 साल तक। मेरा पहला YouTube से इनकम आया था 7 महीने बाद, बहुत ही छोटा था, 1 साल तक मेरा कोई इनकम था ही नहीं कंसिडरेबल, लेकिन मैं बस कर रहा था क्योंकि मुझे लगा कि ठीक है यार इनकम के लिए नहीं करना है, मुझे 3 साल बस यूट्यूब करना है, बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ यूट्यूबर्स एंड आई हैव कंटेंट विच आई कैन स्पीक टू पीपल विच इज वाई सम पीपल वॉच इट। तो एक भी आदमी कुछ देख रहा है उसको फायदा मिल रहा है, कमेंट्स अच्छे थे, वही मेरा इससे नेट गेन है। सेकेंडली माई डियर फ्रेंड्स, सेकेंडली जब मुझे लगा कि यार यूट्यूब से आ रहे हैं ब्रांड्स मुझे रीच आउट कर रहे हैं, तो मैंने फिर अपना बिजनेस सेंस लगा के इसको एक बिजनेस बनाया। कैसे बिजनेस बनाया, अभी आप देखोगे कि आई मेक अ लॉट ऑफ कैंपस वीडियोज, अभी आप देखोगे कि मैं कैंपस में जाके नॉर्मल स्टूडेंट से बात करूंगा, दिस इज समथिंग दैट आई वॉन्टेड टू डू। तो अगेन आई पुट माई सेल्फ आउट देयर, मैंने पूरा रिसर्च किया और पता लगा कि मैं कैसे कॉलेज में जाके बच्चों का इंटरव्यू ले सकता हूँ, मैंने वो किया। शुरू के मेरे जो कैंपस वीडियोज है दे वर नॉट पेड, आई डिड इट बिकॉज आई वॉन्टेड टू डू देम, आई वॉन्टेड टू गो टू कॉलेजेस लाइक माइका एंड शूट वीडियोज, आई डिड देम। ये सब करके बाद में अपने आप ही मार्केट में एक इमेज बन गया कि मैं ये काम करता हूँ, और जब वो काम मैं अच्छा करने लगा तो मैं उसके पैसे मांगने लगा। और ये जरूरी है क्योंकि अभी मैं जितना वक्त इसमें देता हूँ, मेरे पास 6-7 लोगों की टीम है, तो मैं जॉब नहीं कर सकता, तो मुझे जॉब जितना तो इसे कमाना पड़ेगा ना माय डियर फ्रेंड्स, है ना। और अगर नहीं कमाऊंगा तो घर वाले बोलेंगे क्या कर रहे हो, उम्र हो गई है, अब ये सब नहीं कि तुम हॉबी करो, कुछ हॉबी करो तो ऐसा करो जो सिर्फ सैटरडे संडे करो, अभी जितना मैं काम करता हूँ वो सैटरडे संडे में काम नहीं हो सकता। सेल्स होता है, इनवॉइस करना पड़ता है, GST रिटर्न्स डालना पड़ता है, कंटेंट रिसर्च करना पड़ता है, यूट्यूब में वीडियोस डालने पड़ते हैं, टाइटल सबटाइटल SEO सब करना पड़ता है, ये सब मैंने धीरे धीरे सीखा। अब आपको बता दो 3 साल तक में तो आप उस्ताद बन जाओगे, लेकिन उसके पहले मुझे 1.5 साल के बाद सनस्टोन से ऑफर आया था यूट्यूब हेड का। 1.5 साल के बाद जब मेरे 40-50 हज़ार सब्सक्राइबर्स हो गए थे, तब तक भी कोई बड़ा चैनल नहीं था, फुल टाइम जॉब छोड़ के ये करने तक की मेरी औकात नहीं थी, लेकिन क्या हुआ उस वक्त ये मैसेज चला गया कि दिस गाय नोज लिटिल बिट ऑफ यूट्यूब। आई विल टेल यू द ट्रूथ, आई डिड नॉट नो टू मच ऑफ यूट्यूब इवन देन, आई न्यू लिटिल बिट ऑफ यूट्यूब। उसी लिटिल बिट ऑफ यूट्यूब के नॉलेज से मैंने यूट्यूब का जॉब किया, वहां मैंने यूट्यूब और सीखा, उतना यूट्यूब भी बहुत लोगों को नहीं आता था, तो मैंने कंपनी का भी फायदा किया पर खुद भी बहुत सीखा। और जब मुझे लगा कि यार अब मैं वही काम कर रहा हूँ किसी कंपनी के लिए जो मुझे एक सैलरी दे रहा है, इतनी सैलरी मुझे पता है कि मैं बना सकता हूँ अपना काम करके, तो मैं वही काम खुद के लिए करूँगा। अभी अगर मैं जॉब कर लूँ मुझे क्या जॉब मिलेगा, यूट्यूब हेड का जॉब मिलेगा, इंस्टाग्राम हेड का जॉब मिलेगा, लिंक्डइन, ये सब ये जॉब्स हैं, अच्छा पैसा देती है, लेकिन यही काम मैं खुद के लिए कर रहा हूँ, ये मैंने रिस्क लिया। तो द थर्ड थिंग इज यू शुड टेक रिस्क इन लाइफ माय डियर फ्रेंड्स, व्हेन यू कैन अफोर्ड टू टेक रिस्क। तो मैंने देखा कि 3-4 महीने जब मेरे सैलरी जितना पैसा आ गया, 6 महीने मेरे सैलरी जितना पैसा आ गया, मैंने बोला अब मैं अपने मन में मान लेता हूँ कि जो मैं काम कर रहा हूँ एक जॉब ही है, मुझे हर दिन जाके इतने वीडियोज बनाने हैं जो मैंने सनस्टोन के लिए बनाता था, आई विल मेक इट फॉर माई ओन सेल्फ एंड आई विल सी व्हाट हैपेंस, एक बार काम देखेंगे, फिर 6 महीने तक पैसे नहीं आए तो जॉब ढूंढ लेंगे, और बन गया। दिस वॉज वॉट आई डिड विथ माई लाइफ विच वर्क वेल। मैं ये कहीं नहीं कह रहा हूँ कि ये आप करो तो उस्ताद बनोगे, बट आई विल टेल यू द फर्स्ट थिंग आई फाउंड आउट माई निश। हर किसी का एक निश होता है, कोई एक चीज होता है जिसमें आप अच्छे होते हो, जिसके बारे में आप सोचते हो, 3 साल आपको वीडियो बनाना है, 3 साल आपको कोई भी काम करना है, तो वो चीज़ को आपको आना चाहिए, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी आपको 3 साल तक कर पाओगे, राइट। मैं आपको बोलूंगा भाई क्रिकेट भी खेल 3 साल तक, 3 साल लगातार खेला, आप नहीं खेल पाओगे, फैन भी हो क्रिकेट के, तो मैं आपको बोलूंगा हीरो बनना, मैं वीडियो बनाता हूँ कैंपस में जाकर, भाई अगर मेरे एक वीडियो के 5 टेक लगते हैं मैं थक जाता हूँ, स्टूडेंट्स से यार वीडियो बनाता हूँ, कई बार स्टूडेंट्स एक टेक में बोल नहीं पाते,
पांच छह टेक के बाद मैं थक जाता हूँ, पर मुझे अपने आपको बोलना पड़ता है कि दिस इज व्हाट आई डू, हैव टू गिव एज मेनी टेक्स एज पॉसिबल, व्हिच इज व्हाई आई एम डूइंग वेल देयर विद कॉलेजेस एंड कैंपसेस. पॉइंट इज कि इतना टेक देना ना, आपको आपको लगे यार मैं शाहरुख खान बन जाऊँ, भाई शाहरुख खान को कितना काम करता है वो, एक मूवी बनाने के लिए अच्छे से टेक देने के लिए बहुत मेहनत लगती है. मैं आपको बोलूँ आप सेम शाहरुख खान वाली एक्टिंग खुद से करके यूट्यूब वीडियो बनाओ, नहीं बना पाओगे, है ना अवेलेबल. आप कोई कल होना होगा, कुछ कुछ होता है, कोई भी आपको फेवरेट एक्टर उसका एक सीन 15 मिनट का वीडियो में अच्छे से बनाओ, आप नहीं बना पाओगे. और सोचो उन्हें वो चीज़ करना पड़ता है धूप में लोगों के पास हर दिन, एवरी डे, डे इन डे आउट, एंड अच्छा करना पड़ता है ताकि कोई मजाक ना हो रहा. सो माय पॉइंट इज आप वो चीज़ करो जो आप 3 साल तक थोड़े अच्छे से कर सकते, ठीक है. तो निश फाइंड आउट करो, निश फाइंड आउट नहीं करोगे तो 3 साल तक वो चीज़ नहीं कर सकते. 3 ईयर रूल है. सेकंड, जब आपको लगे कि इससे आपका एक इमेज बन गया तो देखो कि इससे आप वो क्या चीज़ कर सकते हो जो या तो जॉब करके आप उससे पैसा बनाओ, जॉब करके भी उससे पैसा बनाओगे तो आप वो चीज़ में एक्सपर्ट हो रहे, है ना. अगर मैं उस वक्त कंसल्टिंग जॉब वापस करता आई वुड नॉट हैव बीन एन एक्सपर्ट या लिटिल बिट गुड एट व्हाट आई वाज डूइंग. तो आपको फिर उसी चीज़ में बनना है, उसके पैसे मिले नहीं मिले पर आपको वो चीज़ में काम करना है. बहुत सारे बड़े बड़े मैं फेमस जो बने हैं 1900s में, उनकी लाइफ हिस्ट्री लोगों का फॉलो करता हूँ. दे डिड समथिंग फॉर 2-3 ईयर्स विदाउट मनी, बट दे डिड इट बिकॉज फॉर सो मच टाइम, सो दे बिकेम एक्सपर्ट्स इन दोज थिंग्स, एंड आफ्टर सम टाइम दे कुड कम आउट एज मच मनी विच नो वन कुड. तीसरा, आफ्टर कंसिडरेबल टाइम यू हैव टू मेक अ बिजनेस आउट ऑफ इट. तो आपको फिर अपना ही जैसे कंपनी की तरह जॉब की तरह काम करना है, टीम बैठाना है. आज अगर मेरी टीम नहीं होती एडिटिंग की और सब कुछ की तो मैं कॉलेज जाके वीडियो नहीं बना पाता, क्योंकि मेरा ट्रैवलिंग में सबसे ज़्यादा टाइम जाता है. मुझे किशनगंज से दिल्ली, बॉम्बे, जयपुर जाना होता है, भाई दिन दिन भर एक दिन ट्रैवल आने का एक दिन जाने का थक जाता हूँ. पता नहीं कौन से होटल में रुकूंगा, पता नहीं क्या खाना खाऊंगा, पता नहीं कब ट्रैवल के लिए बुला लें. तो एक टीम बनानी पड़ती है. फिर आपको बिजनेस की तरह करना पड़ेगा और सेल्स सबसे पहले करना होगा. सेल्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर एनीथिंग, बी इट योर कॉर्पोरेट जॉब, बी इट योर स्टडीज, बी इट योर बिजनेस. ये कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ. अगर आप ऐसा करोगे तो भैया कॉम्पिटिशन है नहीं, देर इज नो कॉम्पिटिशन. शाहरुख खान ने एक लाइन बोला था बहुत पहले कि आई एम लाइक अ हॉर्स विद ब्लिंकर्स, आई डोंट सी हेयर, आई डोंट सी देयर, एंड दैट इज द फिलोसफी आई वॉन्ट टू फॉलो, दैट इज द फिलोसफी यू शुड फॉलो. ये सब चीज़ें मान लो, फिर अपने रेस पे चलो. आप अपना बेस्ट कर लोगे वही सक्सेस है यार. किसी से ऊपर किसी से नीचे, मैंने शुरू में झल ही बोला होगा, बट वो करना ही नहीं है. आप अपना बेस्ट कर लो, जो भी कॉलेज से निकलो वहाँ से जो बेस्ट पॉसिबल है कर लो. यू आर सक्सेसफुल इन लाइफ. ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ, टेक केयर.